5 बेस्ट वाटरप्रूफ स्मार्टफोन इन 2021। तो यार अगर आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफोन चाहिए आज मैं आपको बताऊंगा। नंबर वाइज नहीं बात करेंगे, बात करेंगे अगर आपका बजट, बजट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। भाई अगर आपका बजट 25,000 से लेकर 30,000 हो जाता है, इस बजट रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका बजट 25,000 से 30,000 है इस प्राइस रेंज में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है LG G8X को। अगर इस स्मार्टफोन की मैं बात करूँ, सबसे पहले इसका बजट रेंज पहले बहुत ही ज़्यादा था, आपको 50,000 के बजट रेंज में ये स्मार्टफोन देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया, आपको 30,000 के बजट रेंज में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ होने वाली है। वो कैसे होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये स्मार्टफोन 5G तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन, इसका डिज़ाइन, इसका लुक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज इस स्मार्टफोन में आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। मतलब 30,000 के बजट रेंज में आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाना, वो भी ओल्ड डिस्प्ले इसमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस ये स्मार्टफोन 360 डिग्री पूरा ओपन हो जाता है, इसकी सेल्फी बहुत तगड़ी है। आप फ्रंट सेल्फी में मतलब अपना फेस देख सकते हो कि कैसी आ रही है, कैसी नहीं आ रही है। बैक कैमरे में भी आप अपना फेस जो है वो देख सकते हो, बिकॉज आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलती है ना, तो दैट्स वाई आपका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, फोटो एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही ज़्यादा इस स्मार्टफोन में तगड़ा होने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर की, भाई अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, आप सभी के लिए भी ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है, बिकॉज इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6GB रैम के साथ देखने को मिलता है। अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं कि वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है कि नहीं है। हाँ यार, वाटरप्रूफ स्मार्टफोन आपको मिल जाता है, इसमें आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग देखने को मिल जाती है। मतलब आप 1.5 मीटर तक जो है अपने फ़ोन को पानी में डिप कर सकते हो, आधे घंटे तक तो नॉर्मली आप रख सकते हो। प्लस भाई मैं आपको ये भी चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड जो है वो ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर आपका फ़ोन गिर भी जाता है, कहीं पर भी गिर जाता है, तो आपका फ़ोन जल्दी टूटने वगैरह नहीं वाला, बिकॉज इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी मिल जाती है। प्लस भाई LG ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है। तो भाई अगर आपका बजट 25,000 से 30,000 है, इस प्राइस रेंज में आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ होने वाली है LG G8X। आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ यार, नंबर फोर पर मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इसके कलर वगैरह भी बहुत ही प्यारे देखने को मिलते हैं। इसके कलर मतलब आपको 6 कलर्स में देखने को मिलता है। जो भी भाई आपको सही लगता है आप उसकी ओर जा सकते हो। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। 7nm टेक्नोलॉजी के साथ इसका प्रोसेसर बेस्ड है। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है, आप बैक कैमरे में भी 4K शूट कर सकते हो, आप फ्रंट कैमरे में भी 4K शूट कर सकते हो। प्लस अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, वाटरप्रूफ स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग इसमें भी देखने को मिल जाती है। मतलब 1.5 मीटर तक आप इसको भी डिप करके रख सकते हो भाई पानी में आधे घंटे तक, ठीक है, तो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सैमसंग भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है। प्लस भाई इसका तो डिज़ाइन, इसके कलर वगैरह, लुक वगैरह, इसके मतलब स्मार्टफोन का बहुत ही ज़्यादा आपको अपर देखने को मिल जाता। तो भाई अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था सैमसंग गैलेक्सी S20 FE को, एक बार आप चेकआउट जरूर करना, बिकॉज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ, यार मैंने रखा iPhone 11 को। तो भाई अगर आपका बजट मतलब 40,000 से 50,000 हो जाता है, या थोड़ा सा भी अगर आपका बजट अपर हो जाता है, इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाता है iPhone 11। आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है भाई, अगर आप एप्पल लवर हो। प्लस इसके कलर वगैरह भी बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं, ये भी आपको 6 कलर्स में देखने को मिलता है। सभी कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 5G स्मार्टफोन नहीं देखने को मिलता, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं। सबसे पहले अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, इसमें भी आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग देखने को मिल जाती है। वाटरप्रूफ स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको A30 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है भाई। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, या कोई भी आपने कोई हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन पे, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो।
4GB रैम के साथ आता है एंड इसके तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं स्टोरेज के, 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज। मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ भी आपने 128GB स्टोरेज के और मिनिमम जाना ही जाना है, आपने 64GB स्टोरेज के और नहीं जाना, बिकॉज इतना स्टोरेज आपके लिए आगे जाके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, बैटरी थोड़ी सी कम है, जल्दी ख़त्म हो जाती है और कोई भी इशू नहीं देखने को मिलता है स्मार्टफोन में। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो भाई मैंने आपको बता दिया, एक एक चीज़ बता दिया आईफोन 11 में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, आपके लिए पसंद आने वाला है कि नहीं आने वाला। तो भी अगर आपको लाइक आईफोन 11 चाहिए, वाटरप्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, आप इस स्मार्टफोन के और भी जा सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करो, नंबर टू पे यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, कलर इसके भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे देखने को मिलते हैं, ज़्यादा कलर वगैरह इसके तो चलो नहीं आते, तीन कलर्स में आता है, तीन वेरिएंट में देखने को मिलता है। इसमें आपको एक्सनॉक्स 990 देखने को मिलता है, प्रोसेसर जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, बहुत तगड़ा है भाई। अगर आपने इसमें भी हार्डकोर गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कोई हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करनी है, आप नॉर्मली यूजली कर सकते हो। प्लस आपके इसमें आपको डायनमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। इसमें भी आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाता है एंड ये सभी चार्जिंग सपोर्ट करता है, मतलब रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी सपोर्ट करता है। इसकी खासियत की बात करते हैं, मतलब इसके एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि जो इसका कैमरा है यार, आप 4K में शूट कर सकते हो फ्रंट कैमरे में एंड आप बैक कैमरे में 8K वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि और किसी फ़ोन में आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलती, एप्पल में भी नहीं देखने को मिलती, जो कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में एक खासियत आपको देखने को मिल जाती है। तो आप जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की ओर। आगे बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन की बात करो यार, नंबर वन पर यार मैंने रखे हैं एप्पल की ओर से स्मार्टफोन। आप आईफोन 12 की ओर जा सकते हो, आईफोन 12 मिनी की ओर जा सकते हो, या फिर अगर आपने आईफोन 12 प्रो की ओर जाना, आईफोन 12 प्रो मैक्स की ओर जाना, इनमें से कोई भी आप स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अगर आपने आईफोन 11 प्रो मैक्स की ओर जाना है, आप उसकी ओर भी जा सकते हो। आपको सभी में IP68 रेटिंग मिल जाती है, ये सभी स्मार्टफोन आपको वाटरप्रूफ देखने को मिल जाते हैं एप्पल की ओर से। इनमें से आप कोई भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, अगर आपका बजट, मतलब अगर आपका बजट 70,000 से लेके 1,00,000 है, 1,20,000 तक है, तो आप इन स्मार्टफोन्स के और नॉर्मली इजीली जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको इतने स्मार्टफोन बता दिया जो कि वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।